जहां कोरोना महामारी के चलते देश के प्रधानमंत्री ने गरीब कल्याण योजना का विस्तार करते हुए देश के 80 लाख लोगों को अनाज देने की बात मंगलवार अपने छठे संबोधन में कही, वहीं अगले दिन यानी बुधवार को आम आदमी पार्टी ने विपक्ष की भूमिका निभाते हुए पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर देश भर में प्रदर्शन किया। वहीं ताज़ा तस्वीरें चंडीगढ़ आप से आ रही हैं, जहां घोड़ा गाड़ी खींचकर अपने प्रदर्शन को केंद्र सरकार के सामने रखा कि जहां कोरोना महामारी ने देश के लोगों की खस्ता हालत कर दी है, तो अब पेट्रोल भी उसी राह को चल दिया है। दिखाते हैं चंडीगढ़ आप अध्यक्ष प्रेम गर्ग ने प्रदर्शन के दौरान क्या कहा। कर रही है, जो कि आप देख लो पिछले 20-25 दिनों से रोज पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं बिना किसी कारण के, जबकि इंटरनेशनल प्राइसिंग क्रूड की जीरो पर भी आ गई थी, तब भी इन्होंने देश में पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बहुत बढ़ाए, जबकि कम होने चाहिए थे, बाकी देशों में कम हुए, यहाँ पे बढ़े। अगर सरकार ये कहते कि हमारे पास पैसे की कमी है, तो उसका तरीका ये नहीं कि डीजल से आप रेट बढ़ाओ, क्योंकि डीजल जो है हर एक आदमी की ज़रूरत है, चाहे वो ट्रांसपोर्टर हो, चाहे इंडस्ट्री वाला हो, चाहे वो बस वाला हो, हर एक को डीजल की ज़रूरत पड़ती है, और वो पैसा अल्टीमेटली जो है गरीब के ही कंधे पे पड़ता है। एक तरफ आप सब्सिडियाँ दे रहे हो, दूसरी तरफ आप दूसरे हाथ से आप पैसा वापस लिए जाओ, उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा। डीजल एक ज़रूरी वस्तु है, इसको एसेंशियल कमोडिटी के अंडर इसका रेट नहीं बढ़ना चाहिए। नहीं सर, पैसा तो होना चाहिए, लेकिन उसमें भ्रष्टाचार नहीं ना होना चाहिए, उतने ही पैसे से काम चल सकते हैं जितना देश के पास पैसा है, बहुत पैसा है ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसका क्योंकि अब जैसे 80,000 करोड़ की बात करते हैं, कितने लोगों को एक्चुअल में पहुंचेगा वो बात है ना, रास्ते में आपने देखो कितना FCI के गडाउनों से कितनी गेहूँ बेस्ट है, मध्य प्रदेश में अभी बारिश में कितने हज़ारों टन गेहूँ बेस्ट गई, वो वेस्टेज रोकें ना, लीकेज रोकें। तो हर एक स्टेज पे रिश्वत हो रही है, आप कोई भी आप चंडीगढ़ में देख लो, MC का देख लो कितना खर्चा कर रही है MC, और कितना रोड पे, पार्कों में, हर एक चीज़ पे खर्चा कर रही है, लेकिन उसका एंड रिजल्ट क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। ऐसे देश के लेवल पे है, खर्चा कर रहे हैं, स्कीमें बन रही हैं बहुत बड़ी बड़ी, लेकिन उसका जो एंड रिजल्ट है वो फिर वही निर्धारित हो जाता है उसमें, ओके जो अगर 100 रुपये खर्चते हैं तो उसमें 50 रुपये का काम होता है, 50 रुपये रिश्वत में जाता है, वो चीज़ रुकनी चाहिए। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।